नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोहना नगर परिषद में नियुक्तियों में भी भ्रष्टाचार। ग्वालियर जिले के मोहना ग्राम पंचायत जो कि घोटालों के लिए मशहूर है, पहले सचिव और सरपंच ने 15 लाख का घोटाला कर सारे पैसों को डकार गए और जब मोहना ग्राम पंचायत नगर परिषद बनी तो कर्मचारी नियुक्तियों में भी घपला। मामला कुछ इस तरह है। मोहना नगर परिषद में नियुक्तियों को लेकर पोल खुलती दिखी, एक जांच दल गठन किया और कर्मचारी नियुक्ति के घपले की जांच करना शुरू कर दी है। इस जांच में जिम्मेदार अधिकारी पंचायत इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चोपड़ा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी प्रयाग रस्तोगी, पंचायत समन्वयक अधिकारी भारत सिंह निगम, इन अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जांच पूरी हुई और गलत तरीके से हुई नियुक्तियों के कुछ कर्मचारियों को हटा दिया गया, लेकिन जांच पूरी होने के बाद न तो किसी स्थानीय मीडिया को बताया, न ही मोहना की 40,000 की जनता में से किसी व्यक्ति को। गौर करने वाली बात तो यह है कि जब कुछ कर्मचारियों को तो हटा दिया गया है, लेकिन कुछ लगातार अभी तक नगर परिषद में कार्य कैसे कर रही है यह बात कुछ समझ नहीं आई। इसीलिए हमारी इंडिया न्यूज 28 की टीम बड़े ब्लॉक पहुंची और पंचायत इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चोपड़ा से कुछ सवाल जवाब करना चाहे तो साहब के मुंह से जानकारी की जगह सीओ साहब नाम के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा था। हमारी टीम ने सिर्फ पंचायत में हुई नियुक्तियों को लेकर कुछ सवाल किए, लेकिन पंचायत इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चोपड़ा जी का एक ही जवाब, सीओ साहब से मिले, जबकि जांच इन्हीं अधिकारियों के द्वारा की गई थी, लेकिन जिस जवाब का इंतजार था वह नहीं मिल सका। जवाब ना मिलने से मामला फंसता दिख रहा है। कहीं ना कहीं इन नियुक्तियों में कर्मचारियों से नियुक्ति के नाम पर कोई लेन देन तो नहीं हुआ, जिसको लेकर कोई भी अधिकारी नगर परिषद मोहना कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर कोई ठोस जवाब क्यों नहीं दे रहा। नगर परिषद में हुई नियुक्तियों का जल्द होगा खुलासा। मोहना से संवाददाता सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सूरज मलावरिया इंडिया न्यूज 28 से। आज बुरा ही आया हुआ हूँ यहाँ पर मोहना में, मोहना नगर पंचायत में जो नियुक्तियों को लेकर एक जांच दल बना गया था, जिसमें जांच की थी कितने कर्मचारियों को हटाया गया है, कितने कर्मचारियों को लगाया गया है और कौन पात्र पाया गया है कौन नहीं है। पंचायत इंस्पेक्टर शुभ्रा जी बैठे, जिनसे हमने बाइट के लिए पूछा तो उन्होंने बाइट के लिए स्पष्टली मना कर दिया है, जो कि उनका कहना यह है कि हमारे जो सी ओ साहब हैं उनसे आप बाइट ले सकते हैं, हम बाइट आपको नहीं दे। जबकि जांच दल के अधिकारियों में मुख्य अधिकारी के रूप में हमने भूमिका निभाई थी। आगे हमारी सी ओ साहब से अगर चर्चा होती है तब सी ओ साहब से बाइट लेंगे संबंध में, जबकि शुभ्रा जी ने हमें साफ तौर पर मना कर दिया गया बाइट देने के लिए। सर जो मोहना में जांच दिया था आपको कार्यालय प्रमुख को, कार्यालय प्रमुख से बात कर रहे, सीओ साहब से बात कर रहे, हमने अपना प्रेजेंस सीओ साहब को दे दिया। उस दिन सर आपने बताया था कि हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं। सीओ साहब को प्रेजेंस दे दिया, सीओ साहब नकल निकलवा रहे सीजन अधिकार। सर सूचना के अधिकार पर आप एक मौखिक रूप से भी बता सकते हैं और आपके पास भी लेटर होगा कि किन किन कर्मचारियों को हटा दिया गया है और किन कर्मचारियों को उसमें रखा गया है। आप तो सीओ साहब से बात करें कार्यालय सर, इसके लिए जांच करने के लिए आप गए तो आपको भी तो पता होगा सर। ठीक है, जांच दल में और भी सदस्य थे जी। ठीक है, आप सीओ साहब, आप मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का सर आप ही नहीं, आप सीओ साहब से बात करें तो सर का साफ तौर पर साफ साफ कहना है कि आप सीओ साहब से संपर्क करें, सीओ साहब से संपर्क करें, हम आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे सकते। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंचायत इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शुक्ला जी बैठे हुए हैं और मोहना नगर पंचायत में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनको लेकर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं, जो कि कई कर्मचारियों को हटाने के बावजूद भी उसमें काम अभी भी कार्यरत हैं। कई कर्मचारी जैसे 10 से 12 कर्मचारी जैसे लिस्ट निकली हुई थी जो कि हटा दिए गए हैं और अभी भी वो पंचायत में काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, कई जो हटा दिए गए उन कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों, उनको अगर हटाने का आदेश सभी के लिए है तो सबको क्यों नहीं हटा गया, बाकी लोगों को किस प्रकार रखा गया, इसमें क्या अंदर क्या खिचड़ी पकी हुई है, ये तो या तो पंचायत इंस्पेक्टर बता सकते हैं या फिर सीओ साहब बता सकते हैं। कैमरामैन बंटी के साथ सूरज मलावरी, इंडियन न्यूज 28 मोहना। धन्यवाद।